class, fight against this issue? How can we handle our stress? Copy hai as you wish. बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती हैं as you wish. जो काम हो जाए. और ऐसी अगर लाइफ हो तो बहुत सुंदर मजा आ जाए. अब इच्छा करें वो चीजें प्रकट. How is it possible? Now we will discuss about that. बाइबल में लिखा है तुम मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा. ईश्वरीय शक्तियों का कमिटमेंट है, उन्होंने कभी एज यू विश को बना नहीं दिया. दिक्कत कहां हो जाती है? ब्यूटी से. दूसरी बात, किशन अर्जुन को बोलते हैं तू वह करता है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं. होता वही है जो मैं चाहता हूं. तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है. मना नहीं करा आपकी चाहत को, एज यू विश को मना नहीं, वही कर जो मैं चाहता हूं. मस्ट नो कि वो क्या चाहता है. अगर आपको समझ आ गया वो क्या चाहता है, फिर वही होगा जो आप चाहते हो. अकाट्य नियम है, क्योंकि अगर आम का सीड बोओगे तो आम उगेगा ही, आम आएगा ही आएगा. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नेचर का नियम है, अकाट्य नियम. लेकिन अगर कोई आम मांगे कि मुझे आम चाहिए तो आम प्रकट नहीं होगा कि आम दे दो भगवान. और जैसे आप नाटकों में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो कि आम शुभ करके वो प्रकट हो गया, ऐसे काम नहीं होगा. दैट इज ए हाइपोथेटिकल स्टोरी, सच काइंड ऑफ स्टफ, उसके फॉलो नहीं कर सकते. होता क्या है, अगर आप आम मांगोगे तो आपको सीड दिया जाएगा आम का, आपको जमीन दी जाएगी होने के लिए, आपको पानी दिया जाएगा, सन रेज दी जाएगी, ये सब चीजें दी जाएगी, तब क्या होगा? आप प्रकट नहीं हो. ऐसी किसी फिलॉसफी में, किसी आशा में, किसी ऐसी इच्छा में मत रहना. तो बहुत नुकसान हुआ है ऐसी इच्छाओं से हमारा, बहुत नुकसान हुआ. अगर आप दूध चाहते हो तो दूध प्रकट नहीं होगा, आपको गाय मिलेगी, आपको घास मिलेगी, आपको दूध निकालना पड़ेगा, दूध मिलेगा, लेकिन दूध प्रकट नहीं होगा. लेकिन जब हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं अपने जीवन में तो प्रकट हो जाए कुछ, बस चमत्कारिक चीजें हम चाहते हैं. बहुत नुकसान, गंगा में ना आओ पाप धुल जाएंगे, हमारे द्वार के अनुसार इसके पाप धुले अकड़ा पड़े. सस्ता सौदा ढूंढते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और एज यू विश सर यू विल गेट द सल्वेशन विदाउट डूइंग एनीथिंग. लक्ष्मी की पूजा करो, क्या आएगा? धन आएगा. इन सब इच्छाओं ने भारत को गरीब बना दिया. लक्ष्मी पूजन से धन आएगा, किसके घर आया? हथकड़ा कौन कौन जो वो छोड़ के बैठ गया, सब कुछ बिजनेस बंद कर दिए और घर में ही पेटियां आ गई. वो जी $1 बिलियन दे रहा, 6 महीने बाद फिर एज यू विश करना, फिर एक पेटी दे जाएंगे. BMW चाहिए, आप बंद करी BMW और पीछे खड़ी है. किस किस के साथ ऐसा होगा? किसने कहा पत्नी ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए? फिर तो अगर ऐसी इच्छाएं पूरी हो जाती मजा आ जाता. But not like that. This world,
doesn't work like that. It works in its manner. ये अपने तरीके से काम करता है, ये आपके तरीके से काम नहीं करता, ये आपके तरीके से काम नहीं करता. सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम से निकलता, आपके तरीके से काम नहीं करता. इसलिए कृष्ण ने कहा कि तू वह करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं. तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो क्या क्या बात बोली, क्या एक्सट्रैक्ट बोला. सारी फिलोसफी साइकोलॉजी सब एक श्लोक के अंदर, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं. क्योंकि अगर किसी को आम चाहिए और इस प्रोसेस में यूज करेगा, क्योंकि टाइम भी बोला गया है इतने टाइम में उगेगा और ये सब चीजें, तो आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो किसको नहीं मिलेगा. लेकिन प्रकट कैसे होगा,